साथियों, एक्सेल वीबीए में लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि वीबीए अरे के जरिए हम सीट कैसे डिलीट करेंगे, यानी कि कोई स्पेसिफिक नेम हम जिस सेल में डालें उस नाम की सीट डिलीट हो जाए। यदि आपने वो पूरी तरह से नहीं सीखा है तो उसी को रिवाइज करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हमने कोई भी सीट इंसर्ट करनी है जिस प्रकार हमने डिलीट करी थी, उसी प्रकार यदि हम इंसर्ट करना चाहें कि जिस सीट का नाम भी हम सेल में डालें उस नाम की एक नई सीट इंसर्ट हो जाए, तो वो हम किस प्रकार करेंगे वीबीए अरे के जरिए, वो जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए, जैसे हमने बताया था सीट को डिलीट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे नाम डाले थे जो नाम हम यूज़ कर रहे थे, और मैक्रो रन करते हैं तो हमारी वही सीट यहाँ से डिलीट हो जाती है। अब हम करेंगे यहाँ पे जो नाम लिखेंगे उसी नाम से सीट हमारी क्रिएट हो जाए। तो कोडिंग लगभग सेम टू सेम है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डायनेमिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैक्रो का नाम ले लेते हैं। हमने उसमें मैक्रो का नाम लिया था डिलीट सीट, इस बार हम ले लेते हैं क्रिएट सीट। ठीक है, ये हमने मैक्रो का नाम चुन लिया। वेरिएबल डिफाइन करने हैं, एक तो हम कर लेते हैं डिम, और इसको कर देते हैं क्रिएट सीट। वही चार हमने नाम चार ही लिख रखे हैं, तो हम तीन ले लेते हैं। ठीक है, इस बार हमने चार ही नाम लिखे हैं तो हम तीन ले लेंगे। तो 0, 2, 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। इसको थोड़ा सा मैं और यहाँ नज़दीक खिसका लेता हूँ ताकि साथ साथ आपको यहाँ भी नज़र आता रहेगा। एज वही स्ट्रिंग करेंगे। एक और वेरिएबल लेना है, हमने करना है डिम। एक्स लिया था, एक्स ही ले लेंगे लॉन्ग, और 4 एक्स इक्वल टू 0, 2, 3। लेकिन इसको हम डायनेमिक बनाएंगे, 0, 2, 3 नहीं लेंगे। हमने रो को काउंट करना है, जितने तक हम लिखते चले जाएं उतनी सीट हमारी क्रिएट होती चले जाए। तो 3 की जगह हम कर लेंगे कोई भी एक वेरिएबल और ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट रो के नाम से। ठीक है, एन रो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमने इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहीं पर मैं कर देता हूँ कोमा एन रो एज लो, राइट। तो ये वेरिएबल भी डिफाइन हो गया। लेकिन जब रो अपने आप काउंट होती चली जाए, हमारे पास कोई फिक्स रो नहीं है, इसके बाद हमने कोई और नाम लिखना है, तो ऑटोमेटिक लास्ट रो में भी पहुंच जाए नेक्स्ट रो में। तो थोड़ा सा बैक में जी, हमने आपको एक कोड और बताया था कि आपके पास कितना डाटा है, मैक्सिमम कितना ले रहे हैं, उस हिसाब से हम एक्सेल एंड में जाएंगे और एक्सेल अप करेंगे ना, वापस आएंगे और फिर रो काउंट करेंगे। तो अब हमने क्या लिखा था, हम यहाँ पर टाइप करते हैं अपने उसी वेरिएबल को लेंगे एन रो इक्वल टू रेंज। हमने कितनी रेंज लेनी है, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 4-5 सेल है। आपके पास ज़्यादा सीट इंसर्ट करना चाहते हैं, उतनी मर्जी आप डाटा यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कम ही है, लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूँ, मैं A50 तक ले लेता हूँ। ठीक है, डॉट एंड एक्सेल अप, राइट। डॉट जो रो आए रो -1। ध्यान आ गया, पूरी लाइन एकदम एक्यूरेट सही समझ में आ गई क्या लिखा था हमने। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यह हमने क्या डिफाइन करना है, हमने रो को डिफाइन करना है। यहाँ पे सबसे पहले राम नाम की सीट बने, फिर श्याम, फिर गीता, फिर हरी, फिर नाम डालते चलते हैं, इस प्रकार से हमारे पास सीट बने। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पहुँचना है, उसके लिए हम करेंगे अपना वेरिएबल क्रिएट सीट। ये हमने एक्स लिया, क्योंकि ये वेरिएबल हमने एक्स लिया है नेक्स्ट रो में पहुंचने के लिए, है ना। नेक्स्ट रो को डिफाइन करेगा इक्वल टू रेंज, कौन सी रेंज, कॉलम नंबर ए, एंड सही पकड़े हैं एक्स जो हमारा वेरिएबल है ये नेक्स्ट रो को पड़ेगा, प्लस यहाँ पे देखिए +1, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है 3, ये कर रहा है 0, 2, 3, यानी कि 0 यहाँ पे 0 रो तो नहीं है ना, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसमें +1 करना पड़ेगा ताकि 1 रो के अंदर पहुँचेगा। ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू, क्लियर। आगे चलते हैं और हम कर देते हैं नेक्स्ट को क्लोज, नेक्स्ट एक्स। अब इस कोड को रन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लगातार 3-4 वीडियो में रन करके दिखा चुका हूँ, सेम हमारा ये लूप रन करेगा। जो हमने अरे लिया है डिफाइन किया है 3 टाइम 0, 2, 3, यानी कि 4, हमने 4 यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने हैं, तो उन चारों के लिए हमने अरे डिफाइन कर दिया, अरे चलेगा। लोकल विंडो में मैंने आपको चला के दिखाया है,
यहाँ पे जितने नाम डालेंगे उनका अलग अलग अरे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, मेन हमने सीट क्रिएट करनी है। उसके लिए हम यहीं पे आएंगे इस जगह पे, कि जैसे जिस रेंज के अंदर पहुंच गया इस वैल्यू के ऊपर, तो इस वैल्यू के नाम से एक नई सीट क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले हमने सीट क्रिएट करनी पड़ेगी, हम करेंगे सीट्स डॉट ऐड, एक नई सीट ऐड करनी है। आफ्टर या बिफोर पढ़ा था आपने ना, आफ्टर किसके बाद, यानी कि कौन सी सीट के बाद या कौन सी सीट से पहले, वो नाम हम डालेंगे। हम यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं ये सीट वन, तो हम इधर यूज़ करेंगे सीट्स और इस सीट का नाम डाल देंगे क्या है, सीट वन। तो सीट वन के बाद एक सीट ऐड हो जाएगी, और जो सीट ऐड हो जाए वो हो जाए एक्टिव सीट। डॉट नेम, उसका नेम जो एक्टिव सीट डॉट नेम है वो किसके बराबर हो जाए, वो जो हमने वेरिएबल लिया था क्रिएट सीट का, क्रिएट सीट ये जिस भी नाम पे जाए वो हमने वेरिएबल डिफाइन किया एक्स। बस सिर्फ इतना सा हमने इसको बनाया, रन करके देखे क्या ये चलता है या नहीं चलता है। चलो रन करके देख लेते, मैं यहाँ पे करता हूँ F8। देखिए हमारे पास वैल्यू नॉट डिफाइंड आ गई, वेरिएबल डिफाइन नहीं हुआ, कौन सा वेरिएबल एरर आ रहा है, देखो वहाँ पे सेलेक्ट भी हो गया होगा ना, ये हो गया। देखो हमने किया एक्सल अप करना है, तो हमने कर दिया ई एक्स कर दिया, हम करेंगे एक्सल अप, राइट। इसको एक बार स्टॉप करते हैं और फिर से हम रन करते हैं, मैं करूँगा F8। अब यहाँ पे देखो बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है मेरे से, सीट्स डॉट एड ये ASS हो गया, ऐसे और भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप करके हम फिर से इसको रन करते हैं F8, F8। तो ये मेरे को चलाने की ज़रूरत नहीं है दिखाने की, लोकल विंडो में आप चला कर देखना ये कोड टाइप करने के बाद। फिर हम करेंगे F8, फिर से F8। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जीरो पे पहुँच रहा है यहाँ पे, है ना, क्रिएट सीट एक्स जीरो रीड करी, ये बराबर किसके हो गया, प्लस वन यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट। फिर से करेंगे F8, यानी कि यहाँ पे पहुँच गया था। अब इस नाम से ये नाम को रीड कर लेगा, यहाँ पे एक सीट ऐड हो जानी चाहिए हमारी सीट वन के बाद। जैसे ही मैं F8 प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे सीट वन के बाद सीट टू हमारी एक नई इंसर्ट हो गई यहाँ पे, है ना। और एक्टिव सीट डॉट नेम, इसका नेम कहाँ से क्रिएट हो जाए, अब आप देखोगे यहाँ पे शायद एरर आ सकती है, क्योंकि अभी सिलेक्टेड सीट ये हो गई ना। और थोड़ा सा आइडिया लगाइए क्या एरर आ सकती है, कि इसको ये नाम नहीं मिलेगा राम, देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना राम, जबकि यहाँ पे नहीं है, जो हमारे इस वेरिएबल ने, इस अरे ने जो हमारा नाम यहाँ पे चुना था राम, वो अब इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्टिव सीट ये है, और जबकि वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से हम करेंगे F8, यहाँ पे चेंज कर लिया इसने, हम फिर से F8 करते हैं, दोबारा आते हैं, फिर से हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ देखना फिर से ये क्या रीड करेगा, यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, पहले क्या दिखा रहा था राम, ये तो उसने उस सीट में से उठा लिया था, लेकिन अब ब्लैंक क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी नाम है। देखिए नई सीट इंसर्ट आ गई हमारी, एक सीट के बाद सीट नंबर तीन आ गई, लेकिन इसको नाम ब्लैंक मिल रहा है। हम फिर से F8 करेंगे तो यहाँ पे ये एरर दिखाएगा, ऑब्जेक्ट डिफाइंड एरर, इसको नाम नहीं मिल रहा है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, आप लोग भी समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पे वो सीट यहाँ इसको बतानी पड़ेगी। तो हम वापस इधर आएंगे इस रेंज से पहले, और यहाँ इसको बताएंगे उस सीट का नाम, तो हम सीधा लिख देंगे सीट्स, और कौन सी सीट के अंदर हमने लिखा हुआ है, शायद मैंने लिखा हुआ है वो CGG के अंदर, है ना। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा CGG, कैपिटल में, कैपिटल में डालेंगे डॉट रेंज, और अब इसको हम रेंज चला के देखेंगे। हम फिर से करते हैं F8, 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 F8। अब हम कहीं भी सीट पे हो, किसी पे भी, हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ये जो नाम उठाएगा ये CGG वाली सीट में से उठाएगा, F8, F8। अब यहाँ पे क्या नाम उठा रहा है, पहला तो राम, इसका नाम चेंज हो जाएगा, F8 करेंगे, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस नाम से पहले ही सीट बनी हुई है, तो हमको पहले ये नाम हटाना पड़ेगा। एंड करते हैं, सबसे पहले मैं इस सीट को डिलीट कर देता हूँ, पहले सारी सीटें डिलीट कर देते हैं, जो भी हमने नई सीट क्रिएट करी है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये रीनेम कर दब गया, और ये जो चार नंबर सीट आई थी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ।
ओके, वापस से हम किसी भी सीट में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ CGG में नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे ही आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम रन करेंगे इस कोड को, फिर से मैं करूँगा F8 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 F8, वापस यहाँ पे पहुँच गए हम राम के ऊपर, यहाँ राम को रीड कर रहे हैं, देख लो ये। फिर से हम करेंगे F8, तो ये उस सीट का नाम चेंज हो गया अपने आप। अब फिर से हम वापस चलेंगे, और यदि इस तरह से लिखना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो थोड़ा और आसान बता देते हैं, हमको यहाँ पे ये डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ये यहाँ से पूरा क्लियर कर देंगे जो हमने अभी लिखा था। और ये जो सारा कोड है कम्प्लीटली, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, करेंगे पेस्ट, और एक बार और हमने फोर लूप चलाना पड़ेगा। हम करेंगे फोर एक्स इक्वल टू 0 to nrow, ठीक है। इसी प्रकार हमने फिर से फोर यहाँ पे फोर लूप चलाया, बाकी ये कोड दोनों सेम रहेंगे, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं करना है। और फिर से हम नेक्स्ट क्लोज करेंगे, नेक्स्ट एक्स, क्लियर। अब जो भी डुप्लीकेट सीट आई है मैं उनको फिर से डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि उन्हीं नाम से फिर से हम सीट को सेव करेंगे। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको भी, और फिर से हम एक बार यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं पे आते हैं, अपना कोड रन करेंगे। मैं करूँगा F8 F8 F8, ये मैंने नहीं हटाए हैं यहाँ से, इनको हम हटा देते हैं, ये दोनों लाइनें कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और अब इसको आगे रन करते हैं, यहाँ तक हमारा रन हो गया था, आगे चलेंगे तो इसके बाद अब सीधा यहाँ पे जंप करेंगे, और फिर से वही प्रोसेस जो हमारा यहाँ पे चल रहा था, राइट। यहाँ पे आने के बाद हमारी नई सीट क्रिएट होनी चाहिए, सीट 1 के बाद, ठीक है। F8 करेंगे, देखिए होगी सीट 7 के नाम से, और फिर से F8, इसका नाम राम। फिर वापस चलेंगे, फिर एक नई सीट क्रिएट होगी सीट 1 के बाद, और फिर इसका नाम श्याम। फिर से F8 करेंगे, तो आप देखोगे हमने जितने नाम लिए थे वो यहाँ पे ऐटोमेटिक क्रिएट होते चले जाएंगे, जबकि हम इस सीट के ऊपर नहीं है जहाँ पे हमारे नाम लिखे थे, राइट। इसी प्रकार आप इनका बटन भी बना सकते हैं। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, फिर से हम दूसरे नाम यहाँ पे लिखते हैं, और इसी प्रकार बटन बना के हम क्रिएट करेंगे सीट को। तो इस कोड को मैं एक ही बार रन करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली रन, आप नीचे नज़र बनाए के रखना, मैं थोड़ा इसको छोटा भी कर लेता विंडो को, ताकि आपको एक साथ रन पे क्लिक करता हुआ भी नज़र आऊँ। यहाँ पे सीट 1 के बाद हमारी 4 सीटें और बननी चाहिए, मनोज कुमार कंप्यूटर और ज्ञान के नाम से, तो मैं सीधा यहाँ पे क्लिक करूँगा रन के ऊपर, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 सीटें और क्रिएट हो गई, ज्ञान कंप्यूटर कुमार और मनोज के नाम से। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।